हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑयल पेस्टर से मूनलाइट नाइट सीनरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉलेट डार्क कलर लेना है हमें, ऊपर से स्टार्ट करनी है। हम डार्क से लाइट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमें नाइट का सीन ड्रॉ करने के लिए ऊपर का थोड़ा डार्क से यूज़ करेंगे डार्क कलर। वॉलेट डार्क कलर मैंने ये लिया है। उसके बाद मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है। डार्क ब्लू कलर हल्का हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसमें। इसे करने के बाद थोड़ा सा हमें पेंसिल से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना जो हमें बीच में बनाना है। फिर ब्लू का हल्का हल्का मैंने ऑल लाइट ब्लू यूज़ किया है। हल्का सा आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसे ध्यान से आपको कर लेना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाद में ब्लैक कलर करेंगे उससे सब कवर हो जाएगा। फिर मैंने लाइट स्काई ब्लू का यूज़ किया है, जैसे वीडियो में देख रहे हैं आप। इसको मैंने कर लिया है। करने के बाद आप कॉटन ले सकते हैं, टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कॉटन का यूज़ किया है। आप ब्लेंडिंग जब करें तो लाइट से डार्क की तरफ चलें, क्योंकि इससे जो हमारा ब्लेंडिंग होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही स्मूथी आता है और कलर मिक्सिंग बिल्कुल परफेक्ट होता है। जैसे मैं देखो कर रहा हूँ, देखो कलर मिक्सिंग कितना प्यारा हुआ है इसमें। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कलर मिक्स नहीं हो पाया है, वहाँ आप हल्का सा कलर यूज़ करके दोबारा से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मेरा हल्का हल्का यहाँ देखिए छूट चुका था, तो मैंने हल्का हल्का कलर का यूज़ किया है और फिर इसको ब्लेंड कर दिया है। इससे जो हमारा खाली पार्टिकल्स हैं वो कवर हो जाते हैं। मुझे ऊपर का जो हिस्सा है उसे मुझे थोड़ा डार्क करना है, इसलिए मैं डार्क वॉलेट कलर का और यूज़ करूँगा थोड़ा सा इसमें। जहाँ जहाँ मेरे स्ट्रक्चर पार्टिकल छूट चुके हैं वहाँ वहाँ मैं हल्का सा और करके इसे डार्क कर लूँगा। तो गाइस, बहुत ही अच्छी बनने वाली है पेंटिंग, देखते रहिए वीडियो में। बहुत आसान तरीका है बनाने का, कोई भी इसमें वैसी बात नहीं है जो आप नहीं बना सकते, कोई भी बना सकता है इसे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बनाएं और थोड़ा अपना दिल से बनाएं तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनती है। मैंने इसमें ब्लैक चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, जो आपको नॉर्मल स्टेशनरी पे मिल जाएंगी, 10 या 15 रुपीज़ के अराउंड आएंगी। इसे हमारा जो हम वाटर कलर, इस पर वाटर कलर से अच्छा इससे यूज़ कर लें डायरेक्ट। और जो मैं नीचे ग्रास ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रास ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ गाइस। आपको पेंसिल जो लेनी है वो नीचे से ऊपर की तरफ लेनी, नीचे थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाएं, ऊपर लाइट फोर्स लगाएं, तो इससे हमारी ग्रास आएगी ना वो बहुत ही परफेक्टली ड्रॉ होती है। उसके बाद मैं ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस। फिर मैं उसकी लीव्स ड्रॉ करूँगा गाइस। लीव्स के लिए आपको पहले हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर एक तरफ का पार्ट लीव का ड्रॉ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट है उधर की तरफ का पार्ट उसे ड्रॉ करना है, जो इससे हमारी लीफ आती है ना बिल्कुल एक्यूरेट आती है। फिर इसके बाद मैं नीचे का ये बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ जो बन रखी है। फिर उसके ऊपर मैं एक दो बर्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ। वाओ, ये कितनी प्यारी लग रही है बर्ड्स। जिसके बाद हमारा मून था, मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने वाइटनर का यूज़ किया है मून ड्रॉ करने के लिए। फिर इसके बाद मैंने ऑयल पेस्ट का यूज़ किया है वाइट। मून की जो किरणें हैं मैं उसको थोड़ा सा दिखाया हूँ वाटर के अंदर। फिर मैंने ऊपर हल्का क्लाउड ड्रॉ किया। फिर मैं उससे वाइटनर से स्टार्स ड्रॉ कर ले रहा हूँ।
तो फाइनली हमारी पेंटिंग बनके तैयार हो जाएगी। गाइस आपको कैसी लगी हमारी पेंटिंग आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।